दरअसल चुनाव चीज ही ऐसी है, कुछ भी कीजिए चर्चा में आ जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की, जो इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान साथ दिख रहे हैं और दोनों हेलीकॉप्टर से खूब यात्रा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर की चीज़ें भी खूब वायरल हो जाती है, जैसे कभी कभी इनका मछली खाना और विपक्ष के तौर पे मछली का कांटा चुभ जाना, ये तमाम वो चीज़ें आपने देखी होगी। एक बार फिर से तेजस्वी यादव केक काटते हुए हेलीकॉप्टर में दिखे, हालांकि यह केक मुकेश सहनी सरप्राइज के तौर पर लाए थे और मुकेश सहनी ने ये 200 सभाओं के आधार पर ये केक तेजस्वी यादव के हाथों कटवाया। हालांकि उन्होंने एक लाइन कह दिया कि इस केक काटने से भी लोगों को मिर्ची लग सकती है। जी हाँ, मिर्ची लगी भी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को जनता सड़क पर ला खड़ी कर देगी और कभी भी वो केक काटने लायक नहीं रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, आइए हम आपको सुनें। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 150 अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है, दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 150 अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है, दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। तो देखा आपने, प्रभाकर मिश्रा ने साफ तौर पे हेलीकॉप्टर के इस अंदाज पर कटाक्ष करते हुए न सिर्फ लालू राबड़ी बल्कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को चुनाव तक इंतजार करने को कहा है। उसके बाद क्या कुछ होगा वो जनता तय करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में आप बने रहिए न्यूज NBC के साथ।